गवाह कर रहा पाकिस्तान बनाया करके सारे दीन बुझा कर इसका दीन जलाया। रात बहुत तारीख लेकिन हमने सारी बस्ती में नूरे मोहब्बत फैलाने को दिल का दीन जलाया। सदराए वफात रमजान मुबारक की 27वीं शब को मेरा प्यारा पाकिस्तान वजूद में आया। बाज लोग कहते हैं कि महज एक इत्तेफाक है, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरे रब का इंतखाब है। उधर हकीकत तो ये है कि मेरा प्यारा पाकिस्तान अल्लाह के मौजों में से एक मौजा और अल्लाह ताला ने अपने मौजे के लिए साल की सबसे मुकद्दस रात का इंतखाब किया। और ये मेरा यकीन नहीं बल्कि ईमान भी है कि यही लैलतुल कदर की जब मेरा प्यारा पाकिस्तान बना तो हमारे पास महदूद जंगी हथियार थे। आज हम दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत। पहले हमारे पास चंद टूटी फूटी सड़कें, आज मुल्क भर में मोटरवेज का जाल। नोबल इनाम और ऑस्कर अवार्ड समेत कौन सा ऐसा आलमी इजाज है जो हमने अपने नाम नहीं किया? यही नहीं बल्कि क्रिकेट हॉकी स्नूकर स्क्वैश और मार्शल आर्ट समेत कई आलमी कप हासिल किए। आज मैं फख्र से कह सकती हूँ कि हमारे बगैर दुनिया का कोई खेल का मैदान सच नहीं सकता। मेरा प्यारा पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारा अकीदा भी है, ईमान भी है और नजरिया भी है। और सच पूछो तो पाकिस्तान हमारी दुनिया में एक पहचान है। पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर है, कासिम की आवाज है, खालिद की ललकार है, तारे का बाजू और टीपू की तलवार है। सदर अल वकार आज मेरा प्यारा पाकिस्तान मुश्किल में जरूर है। हमें अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना, लेकिन हम मायूस नहीं, हमारा फैसला है जीना भी यही मरना भी यही। मैंने कभी भी न जाना जी अजम में ये ईमान पे मैं इसकी पहचान, ये मेरी पहचान, मेरी आन मेरी शान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। मैं सर को उठाकर यही चलूंगी, यही जीऊंगी, यही जीऊंगी, यही मरूंगी। मैंने जितना दिया है इसको से ज्यादा ना हो, मैं यही वेट करते रहूंगी। अर-रहमान अर-रहमान मेरी आन मेरी शान, हम सबका पाकिस्तान मेरा प्यारा पाकिस्तान।